द फूड यू ईट और गट हेल्थ का लेना देना है हेयर फॉल इन सब से नहीं है नीम फेस वॉश लगा लो मल्टीपल थिंग्स माइल्ड एक्ने जो है वो ये सबसे ट्रीट होता है देखो फेस वॉश का काम होता है चेहरा साफ करना ना उससे पिंपल बढ़ता है ना पिंपल कम होता है कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है स्कैम बेचे जा रहे हैं ओरल एक बहुत बड़ा स्कैम है दूसरा जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनते हैं कैसे आता है अलग सा उसमें अलग अलग क्रिस्टल्स आते हैं जिससे तुम अप एंड डाउन करते हो लॉट ऑफ पीपल डू इट इट्स सी टू सेल दैट इंस्ट्रूमेंट टू यू एंड टू सेल दैट सीरम टू टू यू अप्लाई इट हाइड्रॉनिक एसिड अगर मैं लगाता हूँ तो क्या मेरी स्किन उससे ग्लो करती है आपका स्किन डिहाइड्रेटेड है तो उसके ऊपर हाइड्रोनिक एसिड अच्छा काम करता है आप लगाओ तो ग्लो दिखता है फेस इट्स अ गुड प्रोडक्ट लोग हर वीक फेस क्लीन अप कराते हैं पार्लर्स में जाके सेलॉन्स में जाके कराना चाहिए नहीं हर हफ्ते लोग फेस मास्क लगाते हैं थोड़ा ऑयलीनेस कम करेगा थोड़ा उस टाइम के लिए थोड़ा सा ग्लो देता है और कोई लॉजिक थोड़ी फूड बेस्ड जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं इस वक्त करते हैं नहीं क्या मास्टरबेशन से पिंपल होते हैं आज का एपिसोड है आपकी स्किन के बारे में अगर आपको ये जानना है कि आपकी स्किन बेटर कैसे हो सकती है कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कौन सी चीज़ें आपको स्किन पे लगानी चाहिए कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए कैसे टाइप के स्किन के रूटीन्स में फंसना चाहिए या नहीं फंसना चाहिए आप अगर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हो जैसे फिलर्स कराते हो फेशियल कराते हो कॉस्मेटिकली सर्जरी कराते हो या आप सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक एक डर्मेट के पास जाके दवाइयाँ लेना स्टार्ट करते हो तो वो सब कब करना चाहिए क्यों करना चाहिए उन सब से होता क्या है उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इन सब के बारे में बात करिए ऑल्सो हमने ये बात करी कि बॉलीवुड स्टार्स की स्किन इतनी अच्छी क्यों होती है आपको अगर वैसी स्किन चाहिए तो कैसे होगा एंड इन सब के अलावा जो स्किन में बीमारियाँ होती है उन सब से कैसे फाइट करें और अपने स्किन का बेटर तरीके से ध्यान रख पाएँ आज का पूरा एपिसोड ए टू जेड आपकी स्किन हेल्थ के ऊपर है विथ इंडियाज लीडिंग डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर गुरजोत मारवा ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले राज छमानी क्लिप्स और राज छमानी शॉर्ट्स चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान बन पाएं. इन्जॉय द शो एक चीज़ बोली थी आपने स्टार्टिंग में मुझे बता दिया था अबाउट पिल्स कि मैं कोई मारवा पिल नहीं दे दूंगा जिससे बाल आ जाएंगे या तो रात हो एक्ने जिससे चल जाएंगे या गोरे हो जाओगे ऑल राइट अ लॉर्ड ऑफ क्लिनिक्स इंडिया में डर्मोटोलॉजी डर्मोटोलॉजिस्ट जो होते हैं उन सब की अपनी ब्रांडेड पिल्स होती हैं मैं गया हूँ ऐसे क्लिनिक्स पे मेरे को नाम नहीं लेना बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके खुद के ट्रीटमेंट्स होते हैं कि मेरा थर्टी डेज़ का ले लो उनकी एक्स वाई जी ब्रांड बायोटिन ही होगा उनका एक्स वाई जी ब्रांड खुद के नाम पे मतलब डॉक्टर मारवा बायोटिन डॉक्टर मारवा एंटी एक्ने डॉक्टर मारवा हेयर है, रीग्रोथ हेयर बूस्ट बहुत सारे अलग अलग नाम से डू यू थिंक कि वो जो डोमेटोलॉजिस्ट जो अपनी खुद की पिल्स देते हैं उनके नाम की ब्रांड की वो उनमें कुछ मैजिक पोर्शन होता है कि नहीं वो सिर्फ एक जैसे सारी होती बस वो अपनी ब्रांड लगा के थोड़ा प्रीमियम में बेचते हैं तो कल अगर मैंने आपको कभी भी मारवा सनस्क्रीन या मारवा पिल दी अब मेरे सामने उठा कर डस्टबिन में फेंकना ऐसे नहीं कि मेरे दूर भी फेंकना हाउ कैन आई मैच पीपल लाइक सेटाफिल गैलडर्मा अवीनो बायोडर्मा दीज आर जॉन्ट्स नॉट मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर दे आर ह्यूज कंपनीज़ मैं अपने एक अपने इधर एक छोटा प्लांट में किसी को पैसा दे के पैकेजिंग लगा के ऊपर मारवा पिल बेचूंगा तो उसमें कोई सेंस है ये तो चीटिंग है अगर आप वो क्लिनिक में गए हो तो गलत है ये कोई भी डरमैट ये करता है वो बहुत गलत है पहले भी अपने नाम से दवाई बेचनी वही बहुत गलत बात है ये किसी को भी नहीं करना चाहिए एकदम ही

न्यूयॉर्क में वही दवा है बार्सिलोना में वही दवा है लंडन जाओगे वहाँ पे वही दवा है तो इसमें थोड़ी होता है साइंस में तो हम लोग वो करते हैं जैसे अगर किसी को किसी ने टी की दवाई जिसने की उसको नोबेल अवार्ड मिलेगा साइंस का अवार्ड मिलेगा कि इसने ये बनाया है तो अगर मेरे पास कोई दवा है मैं मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे को भी कुछ अवार्ड मिले खुद थोड़ी ना इसमें थोड़े थोड़े, थोड़े चवन्नी अट्ठन्नी कमा के कोई खुश होएगा यू विल वॉन्ट टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ एक्जैक्ट दैट इज़ वॉट आई फील सो कभी भी ये सब नहीं लेना चाहिए और ये सब के लिए नहीं यू शुड नॉट फॉल फॉर एनी मैजिक पिल कोई भी मैजिक पिल नहीं होती है जो है जो यहाँ मिलेगा वही पूरी दुनिया में मिलेगा पर बहुत डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं बहुत सारे डर्मैथ्स भी होते हैं कि मे बी वो मैजिक पिल नहीं बोलेंगे पर वो बोलते हैं कि बाहर ना जैसी दवाइयाँ आपको चाहिए पर्सनलाइज ऐसी मिलती नहीं है तो मैं दो तीन दवाई का कॉम्बिनेशन बना के हमने ऐसे बनाई है और ये हमारा फॉर्मूला है एंड ये बहुत इफेक्टिव हमारे पेशेंट्स पे ये तो स्कैम करने का नया तरीक़ा है ना ये तो पुराने ज़माने से देख रहे हैं तुम कहीं जो फैमिली वो तो स्कैम नहीं वो लोग बराबर करते हैं तुम कोई होम्योपैथ के जाओ तुम्हारी चार दवाइयाँ मिला के देते हैं जो दवाई तुम ले रहे हो तुम्हें मालूम होना चाहिए उसमें क्या कंटेंट है और पूरी दुनिया में वो मिलनी चाहिए ऐसे थोड़ी है कि तुम वो जो मैंने आपने उधर बना दी दो तीन चीज़ें मिला के और तुम्हें दे रहा हूँ इस इज़ नॉट राइट आज से पैंडमिक के जेस पहले मुंबई में बहुत फेमस डोरमेट है एंड मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे उनका थर्टी वन डे मेरे हेयर फॉल के लिए गया था तो उन्होंने थर्टी वन डे का मेरे को उनकी पिल्स दी और मैंने वो दस बारह दिन ली फिर मैंने बंद कर दी थी बिकॉज आई वॉज डिस्ट नॉट फील कम्फर्टेबल बड़ा एसेडिक लगता था मुझे उस टाइम पर तो उनका बाकायदा ट्वेंटी एट डे पे उनकी टीम का फॉलोअप आ गया कि आपको तीन महीने का कोर्स होना चाहिए क्योंकि आपके एक महीने में रिजल्ट नहीं है आपने बंद कर दी यू शूड डू इट अगैन एंड दिस ओल्ड द सेम थिंग एंड लेटर जब मैं थोड़ा पढ़ने लगा दवाइयों के बारे में जब ज़्यादा देखने लगा तो टेक्निकली वो बायोटेन और मल्टी वाइटामिन थी इज उनके नाम पे दी थी जिस उन्होंने उनका नाम पे एक्स वाई जी उनका नाम और हेयर रीबूस्ट उसका नाम था तो so, अगे था बायोटेन ही और मल्टी वाइटामिन मेल पैटर्न हेयर लॉस इट्स नॉट अ डेफिशिएंसी इसमें ना कोई भी मल्टीविटामिन का रोल ही नहीं है ना बायोटिन का ना बी ट्वेल्व का ना डी थ्री का ना कोई भी मल्टीविटामिन का आप बॉडी बिल्डर्स देखो सिक्स फीट सिक्स पैक एक एक चीज ना आपके खाते हैं मैं ये नहीं बोल रहा जो एनाबॉलिक्स लेते हैं बहुत लोग एनाबॉलिक्स नहीं भी लेते वो भी गंजे होते हैं ठीक है उसका थोड़ी ना कोई लॉजिक है कि कोई मल्टीविटाम्स है तो एक एक चीज़ नाप के खाते हैं वो कैसे गंजे होंगे ये सब जेनेटिक्स है जेनेटिक्स मतलब ये जायदाद जैसा नहीं है कि मेरे दादा ने मेरे पापा को दिया नेक्स्ट मैं अपने बच्चे को दूंगा ये मल्टी जेनेटिक होता है चाचा चाची नाना नानी ना, कई दर से भी जीन आप कैरी कर सकते हैं जिसके कारण बोल्डिंग होगा अगर कोई भी डेफिशंसी होगी सिंपल वे टू डिफरेंशिएट पीछे का बाल भी जाना चाहिए थोड़ी ना हेयरलाइन से पीछे जाएगी ये जेनेटिक बोल्डिंग है इसकी मेडिसिन पूरी दुनिया में सेम रहती है सो so, और जिस भी डॉक्टर ने आपको दिया है जितना भी फेमस हो गलत है अपने नाम से अगर दिया है तो बहुत गलत है तो उसमें कोई सेंस नहीं है एंड वो इट्स अ वे ऑफ स्कैमिंग पीपल एंड दूसरी बात कभी भी अगर डॉक्टर आपको फ़ोन करके बुला रहा है तो ये तो वही चीज़ होगी इधर तो हमें वीडियो बनाने के लिए शर्म आती है कि हम लोग अपने आप को कंटेंट बेच रहे हैं देट इज़ फर्स्ट रेड फ्लैग कि हाउ कैन यू हैव टू गो बैक एंड एक महीने में कैसे बाल उगेंगे इसमें तो दवाई सालों भर लेनी पड़ती है जब तक बाल चाहिए तब तक लेनी पड़ती है डू यू थिंक ये प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं जो सारे एंटी डैंड्रव शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हैं एंटी डैंड्रव शैम्पूज काम था करते हैं ऑफ़ द काउंटर वाले भी काम करते हैं ऑफ कोर्स जो मेडिकल ग्रेड रहते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं वो बेटर काम करते हैं बट ये बोलना कि नहीं काम करते हैं वो नहीं इवन डैंड्रफ में बेसिकली ऑयल सो अगर आप रेगुलरली वॉश करेंगे डैंड्रफ में तो उसकी वो एक ट्रीटमेंट तो वही रहती है आप एंटी डैंड्रफ तो हफ्ते में दो बार यूज़ करेंगे जो बाकी रेगुलरली hmm. वॉश करना चाहिए द फूड यू ईट और गट हेल्थ और डाइजेशन का लेना देना है फॉल डैंड्रफ इन सब से? नहीं है क्या बात रहे हो? बिल्कुल भी नहीं है बॉल्डिंग और उसका कोई लेना देना नहीं है गट हेल्थ से क्या लेना देना कोई भी लेना देना डैंड्रफ का भी नहीं है डैंड्रफ का भी नहीं है हेयरफॉल का अगर रीज़न रहता था तो ये थोड़ी डेफिशिएंसी के कारण थोड़ी डेफिशिएंसी में हेयर फॉल होगा बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं एकदम सही है अगर आपसे इसे एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो डेफिशिएंसी से जो हेयर फॉल होता है वो डेफिनेटली होगा पर बोल्डिंग का क्या लेना देना उससे वो तो अगर कुछ डेफिशियंसी है गट हेल्थ है आप आईवी न्यूट्रिशन ले लो तो उससे वो ठीक हो जाएगा इससे थोड़ी ये गट नहीं ठीक है इस करके गंजे हो रहे हैं एंड गट ठीक नहीं इससे नहीं होता मैं नहीं मानता ना ही उसमें ऐसे कई किताबों में लिखा है ना ही मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखते हैं क्योंकि डैंड्रफ जो है हम ज़्यादातर सब एज में देखते हैं पर यंगस्टर्स में ज़्यादा देखते हैं अगर आप गट हेल्थ देखोगे जो बच्चे रहते हैं बच्चों ही डैंड्रफ दिखता है पर दे हैव एफ डोमिन ऑल द टाइम जो बुड्ढे रहते हैं हमेशा ही कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं हर ओल्ड आदमी आएगा आई एम कॉन्स्टिपेटेड डॉक्टर आई एम कॉन्स्टिपेटेड पर उनको किधर कुछ डैंड्रफ होता है दे कम फॉर डिफरेंट रैशेज़ सो so, प्रैक्टिकलिटी में अगर जैसे आई बिलीव इन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सो यू जो है सो गट हेल्थ इन्फ्लमेशन ये सब होता है बट इट्स नॉट द मेन कॉज ऑफ़ डैंड्रफ इट्स दैन ऑयली स्कैल्प इट्स योर सेंसिटिविटी ऑफ योर ऑयल ग्लैंड टू योर नॉर्मल हॉर्मोन्स इंटरेस्टिंग ओके एक्ने ब्लैक हेड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये हर किसी को होता है कि बहुत कुछ ही कुछ ही लोगों को होता है uh, हर किसी को नहीं होता है बट लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल को होता है मेजॉरिटी टाइम इंडिया में एक कहावत पहले से एक चीज़ मानी जाती है कि पिंपल तो नॉर्मल है आएगा तो चला जाएगा तो वो इस करके सब जगह रिपोर्ट भी नहीं होता है पर काफ़ी मेजोरिटी एटलीस्ट आई थिंक सेवेंटी टू एट्टी परसेंट लोगों कभी ना कभी लाइफ में पिंपल आता ही है और उसका ट्रीटमेंट इज़ गुड हेल्थ गुड डाइट की कभी ना कभी गुड हेल्थ गुड डाइट इज़ इम्पोर्टेंट बट दवाई जरूरी है उसमें अब तक जब तक दवाई नहीं दोगे वो ठीक नहीं होता है और जैसे मैंने बोला था पिंपल आएगा जाएगा बिल्कुल सही आप कुछ दवाई भी नहीं लोगे तो भी जाएगा पर कई टाइम वो खड्डा छोड़ के जाता है और वो खड्डा जिंदगी भर हमको तकलीफ देता है तो ट्रीटमेंट इज नॉट टू ट्रीट द एक्ने एट दैट पॉइंट इज टू प्रिवेंट एनी स्कारिंग इन द फ्यूचर एंड आई बिलीव कि यू डोंट ट्रीट एक्ने एग्रेसिवली यू आर लेफ्ट विद स्कार्स पीपल व्यू आर लेफ्ट विद स्कार्स आई नो हम ट्रामा दे हैव बिकॉज एक्ने तुम फिक्स कर लोगे पिगमेंटेशन भी कर, पिंपल की जो आती है दवाइयों से तुम फिक्स कर लोगे सारे खड्डे हो गए तो उसमें दवाई नहीं है ए, हर उसमें सिर्फ लेज़र्स हैं मल्टीपल ऑप्शन होते हैं पर इस करके स्टार्टिंग में ही दवाई लो बेटर वो ऑप्शन है तो जैसे एक्ने है अब एक्ने जैसे जब भी होता है पिंपल होता है तो लोग सब सबसे पहले बोलते हैं कि अगेन डाइजेशन सुधारो साफ़ी ले लो राइट right? उससे और ऐसी पच्चीस चीज़ें और आती है जो वो ले लो औरली वो तुम खाते हो तो उसकी वजह से तुम्हारा फिर एक्नेस चले जाते हैं डू थिंक वी शुड टेक दैट कि नहीं सो so, साफी दिस इज अ ब्लड प्योरीफायरसन गैट्स एक्ने एंड ब्लड इज़ द सेम

उनको तो पिंपल नहीं देखा बारह तेरह साल से चालू होता है फोर्टी एट फिफ्टी भी बंद हो जाता है बुढ़े लोग तो हमेशा जैसे मैंने बोला कॉन्स्टिबेटेड ही रहते हैं पर तो भी उनको तो नहीं आते पिम्पल तो इट्स हॉर्मोन्स आज वॉट प्ले अ फैक्टर देर आर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आई वॉन्ट डिसगार्ड डाइट एंड जनरल हेल्थ ऑल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम स्ट्रॉग बिलीवर इन दैट बट इट्स टू से दैट इट इज़ जिस आई विल ईट हेल्दी एंड आई विल नॉट गेट एक्नेज बुलश इज़ नॉट राइट यस इट इज़ नॉट ट्रू ओके वाह दिस इज़ न्यू तो फिर एक्ने ट्रीट कैसे होता है एक्ने के दो ट्रीटमेंट्स जो मैंने सुने हैं, एक है जो एडवर्टाइज़ होते हैं बहुत हैविली जैसे क्लीन एंड क्लियर लगा दो एक रात पहले और तो अगले दिन वो क्लीन एंड क्लियर क्लीन एंड क्लियर टाइप जैसे कुछ aajal भी जेल ओके जेल मतलब माय पॉइंट इज फेस वॉश एंटी एक्ने फेस वॉश कि क्लीन एंड क्लियर जैसे ब्लैक हेड्स के लिए भी होता है एक्ने के लिए भी होता है या नीम फेस वॉश लगा लो राइट यू नो मल्टीपल थिंग्स जो ओवर द काउंटर तुम्हें देखे एंटी एक्ने फेस वॉश एंटी एक्ने मॉइस्चराइजर एंटी एक्ने पच्चीस चीजें एक तो ट्रीटमेंट वो है कि ये क्रीम्स और ये लगाओ तो एंटी तुम्हारे एक्ने चलेंगे सो इज़ दैट राइट एंड फिर मैं सेकंड माइल्ड एक्ने जो है वो ये सबसे ट्रीट होता है ऐसे नहीं है जो फेस वॉशेस है देखो फेस वॉश का काम होता है चेहरा साफ करना ना उससे पिंपल बढ़ता है ना पिंपल कम होता है सो so, हाँ ऑयल प्रोडक्शन जो है ऑयलीनेस चली जाती है फेस से सो so उसमें उस टाइप का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं माइल्ड एक्ने होगा तो जो ये सब क्रीम्स हैं थोड़ा बहुत लगाया थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं बट प्राइमरली आई फील के जब तक उसमें राइट मेडिकेशन नहीं लेंगे थोड़ा बहुत एक्ने वो सब अब ट्राई कर सकते हैं ज़्यादा पिम्पल आएंगे तो स्कारिंग के लिए मत रखो प्लीज़ कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ डिग्री देखो डॉक्टर की और उसके बाद जाओ सो so, ठीक है तो माइल्ड जो है वो फेस वॉश और ये ट्रीटमेंट्स और क्रीम्स और सीरम माइल मतलब वेरी वेरी माइल्ड आकने वो सब ये सब सीरम्स में से ऐसे नहीं काम नहीं करती है, करती हैं okay. लेकिन सिर्फ इन्फ्लेमेशन चालू होगी तो उसमें ओरल मेडिकेशन काम करता है क्रीमें का क्या है आज यहाँ क्रीम लगाई कल दोबारा इधर पिम्पल आएगा यहाँ क्रीम लगाई फिर यहाँ फिर उसका दाग जाने को तीन महीना लगता है so circles and circles and circles. तो सेकेंड ट्रीटमेंट है जो डोमोटोलॉजिस्ट जिन के पास mm -hmm. मैं गया हूँ उन्होंने हमेशा मुझे सजेस्ट किया है या रिकमेंड किया है या प्रिस्क्राइब किया है दैट्स द वर्ड कि आइसोट्रेटेनॉइन mm -hmm. एक ड्रग है जो आप ले लो उसका 45 डे का कोर्स करो फिर धीरे धीरे कम करते जाओ बेस्ड ऑन फिर आप बार बार डर्मेट के पास जाओ वो बताएगा कि कैसे अगले नाइन्टी डेज करना है थर्टी डेज करना है राइट right? तो आइसोट्राइटनोइन का अदर साइड इज बहुत लोग बोलते हैं कि आइसोटोनॉन नहीं लेनी चाहिए ओके okay. देखो क्योंकि आग... इससे ड्राई हो जाते हैं लोअर बैक पेन हो जाता है मे बी विमेन को बहुत सारी हारमोनल प्रॉब्लम्स होती है मैन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है

सो दैट्स वाई इट इज़ गिवन बाय अ डॉक्टर वो ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए जो आप ड्राइनेस बोल रहे हैं वो तो उसका इफ़ेक्ट है साथ में उसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर आपको बताएगा क्या यूज़ करना है जो बोन पेन है वो अगर होगा तो उस टाइम स्टॉप की जाती है उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है पर ये लेना कि इंटरनेट पर मैंने सुना है इस करके मैं नहीं लूँगा अगर तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको पता है क्यों दे रहा है वो आपको बेचने के लिए दवाई नहीं लिख रहा है वो तुम्हें फ़ायदा हो इस करके दे रहा है द बेनिफिट्स

तो आइसोटेटेनोइन के मेजर वैसे साइड इफेक्ट्स होते क्या हैं? मेजर साइड इफेक्ट्स प्रॉब्लम ये नॉट बी गिवन इन पीपल विद डिप्रेशन पीपल हु हैव डज नॉट कॉज डिप्रेशन बट पीपल हु है नोन केस ऑफ डिप्रेशन यू कॉन्ट गिव इन दै मोस्ट इंपॉर्ट यू कॉन्ट गि इट इन चाइल्ड बेयरिंग विमेन सो उसमें वॉश आउट पीरियड होता है थ्री टू सिक्स मंथ्स का वॉश आउट पीरियड होता है सो यू नीड टू वेट फॉर देट मच टाइम किताबें दो महीने बोलती हैं बट थ्री टू सिक्स मंथ्स मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि इतना टाइम रुकना चाहिए बिफोर यू प्लान अ प्रेगनेंसी बाकी मल्टीपल साइड ड्राइनेस होती है पर वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है वो तो इफेक्ट है ना हम ऑयल ग्रांट्स को सुखा रहे हैं uh, जो बाकी चीज़ें हैं जैसे बोन पेन आपने बोला वो हर एक में नहीं होता है वो कुछ हुआ तो उस टाइम बंद की जाती है दवाई बंद किया ठीक हो जाता है ओके कमिंग टू ट्रीटमेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स गेट इनटू द एस्थेटिक साइड ऑफ इट ओके कि आजकल हर किसी को बेटर दिखना है बिल्कुल नहीं और बहुत ज़्यादा इंडिया में तो अब ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है इंटरनेट की वजह से और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है पहले ये दिस वॉज लिमिटेड टू बॉलीवुड ग्लैमर वर्ल्ड मॉडल्स अभी हर किसी को करना है यू ऑल्सो सेट राइट सो एस्थेटिक्स के सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स क्या हैं जो सबसे ज़्यादा या एक्चुअली द बेटर वर्ड इज बेटर क्वेश्चन वुड बी सबसे ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर ट्रीटमेंट्स बॉलीवुड में कौन से हैं मुझे पता था आप पूछेंगे तो ये बॉलीवुड में नहीं सब जगह सेम रहता है द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट दैट आई डू आर फिलर्स डर्मल फिलर्स दैट इज़ अलॉन्ग विद क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी इज़ माई ब्रेड एंड बटर ऑल्सो एंड आई डू अ लॉर्ड ऑफ फिलर्स एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट वेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स इन आर कंट्री ओके सो फिलर्स तो क्या होते हैं फिलर्स फिलर बेसिकली एक सब्सटेंस होता है हाइलोरनिक एसिड वो आपके शरीर में है मेरे शरीर में है जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है hmm. उसके शरीर में है जो लोग देख रहे हैं उनके शरीर में है सो so, हम लोग जब मेच्योर होते हैं ये हाइलोरनिक एसिड धीरे धीरे करके कम हो जाता है सो hmm. so, वे फिलर क्या होता है यही हाइलोरनिक एसिड से बना होता है तो so, जहाँ से वो फिलर जो कम हो गया है वहाँ पे उसको री इंजेक्ट किया जाता है सो इट्स यूज इन अगर कोई हॉलोनेस है कहीं प्लम्पिंग सो टू परपसेज इट इज़ यूज फॉर एंटी एजिंग अगर लॉस एंड फॉर समेंट ऑफ फीचर्स फॉर एनहेंसमेंट सो द अदर फिलर मतलब कि अगर मेरे अंडर आई के नीचे गड्ढे हो गए तो अभी ये फिल हो जाएगा hmm, जी. तो इधर इंजेक्शन डालोगे और इसको फिल कर दोगे। बेसिकली right? हाँ थोड़ा क्रूड वे बोलने का बट okay. uh, <laughs> <laughs> सॉरी बड़ा, बड़ा, बड़ा बेसिक फंडामेंटल <laughs> <laughs> फिल नहीं होगा बट इट विल विल यू लुक फ्रेशर बेसिकली थोड़ा थकान कम दिखती है इट्स में दिस इज द अंडर आई फिलर ओके तो फिलर और बोटोक्स सेम होता है नहीं अलग चीज़ होती है जो क्या होते हैं दोनों सो बेसिकली बोटॉक्स इज अ ब्रांड नेम इट्स इट्स अ मोटोलेटर जो कंटेंट है उसको बोटोलिन टॉक्सिन बोलते हैं एक एलर्गन करके कंपनी है जो बोटॉक्स बनाती है एंड दैट इज अ वायरल वर्ड जो पूरी दुनिया में चलता है ओह आई डिडंट नो बोटॉक्स इज अ ब्रांड या इट्स अ ब्रांड देयर मल्टीपल न्यूरो कंटेनिंग बोटुलिनम टॉक्सिन बोटॉक्स बीइंग वन ऑफ देम दे हैव द मेजर मार्केट शेयर बट दे हैव मार्केटेड सो वेल दैट

तो बोटॉक्स एक तरीके का फिलर ट्रीटमेंट ही है नहीं बोटॉक्स जो है उसका पर्पस अलग होता है वो बेसिकली मसल्स पे काम करता है सो सपोज आई एम स्माइलिंग एव दीज लाइन्स एव दीज फोर हेड लाइन्स ये सब जगह पे बोटॉक्स यूज़ होता है फिलर बेसिकली फेस थोड़ा लिफ्ट करने के लिए एनहेंसमेंट ऑफ़ फीचर्स जॉ लाइन के लिए ये सब जगह यूज़ होता है बोटॉक्स के नॉन एस्थेटिक परपस भी होते हैं जैसे माइग्रेन में यूज़ होता है स्वेटिंग में यूज़ होता है बहुत कॉमनली मैं ट्विचिंग में यूज़ करता हूँ जैसे किसी को वो आग फटकती है बार बार हाँ hmm. तो उसमें यूज़ होता है एंड वो जो पेशेंट होता है वो हम वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं सो इट्स नॉट ओनली इट्स इस्स्थेटिको यूज इन नॉन एस्थेटिक प्रोसीजर्स इट तो अब जैसे फिलर्स हैं फिलर्स एक सबसे कॉमन हो गया है और कौन कौन से टाइप के फिलर्स so तो इसमें लिप थिक हो जाते हैं हाँ नॉट ऑलवेज थिक यू समटाइम्स यू यू इम्प्रूव द शेप ऑफ द लिप समटाइम्स दिस अ सिमेट्री इन द लिप इट्स इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एनहेंसमेंट इट्स ऑल्सो अबाउट करेक्शन एंड ये अबाउट एनहेंसमेंट ऑल्सो भी उसमें किसी के थिन लिप्स हैं तो उस टाइम किया जाता है बट दैट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट ही एंड यू शुड ओनली डू इट एट अ टाइम फ्रॉम एन एक्सपर्ट एंड ऑल आई वुडेंट ठीक है सो अंडर आई जॉलाइन जॉलाइन

बिकॉज फिलर एंड बोटो फॉर गेट नॉर्मल पीपल माई फ्रेंड मी अरे बापरेक्टली पिक्चर रहता है कि होट ऐसे हो गए चेहरा ऐसे हो गया क्या बना दिया ये अलग है वॉट यू हैव टू रियलाइज जितने लोगों को आप टी वी पर देखते हैं वास्ट मेजोरिटी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं ये बात मैं वाउच कर सकता हूँ टू हंड्रेड परसेंट एंड जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो बैडली डन केसेज हैं विच आर नॉट इंजेक्टेड प्रॉपरली Uh, जो आज जो है इट्स मच मच मोर कॉमन इवन इन कॉमन पीपल इट्स जस्ट द वर्ड अरे बुआ प्रे क्या कर दिया इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग इन इट इट्स इट्स अ नॉर्मल थिंग हाउ यू इट्स लाइक टैटूज पंद्रह साल पहले लोग टैटू करा था, अरे बापरे टैटू करा क्या है आजकल कल हर एक आदमी के हाथ में टैटू देखता हूँ मैं सेम विथ बोटोक्स एंड फिलर्स दस पंद्रह साल पहले मिडल ईस्ट लंडन ये सब में भी इट वॉज लाइक दैट नाउ इट्स बूमिंग यू सी ओवर देर फिलर्र्स एंड दैट इज द सेम थिंग हैपन इन इंडिया ऑल्सो एंड आई एम वेरी शोर अबाउट दट तो so, फिलर्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं फिलर्स के साइड इफेक्ट अगर ऐसे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है थोड़ी ब्रूजिंग हो सकती है स्वेलिंग हो सकती है आ, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फिलर के वैसे क्या जैसे सब एक वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है फिलर का तो मगर अगर सर्थ? आप जो अगर आपने फिलर जो है वो ब्लड वेसल में किधर डाल दिया गलती से सो तो वो कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है

फिलर की क्या प्रोसेस होती है मैं मान लो कि मुझे मान लो आपको अंडर आई फिलर करना है आप मेरे क्लिनिक आएंगे राज मैं आपको नमिंग क्रीम लगाऊंगा नमिंग क्रीम आधे पौने घंटे के लिए लगा के रखूंगा उससे चेहरा नम हो जाता है फिलर हाइड्रॉनिक एसिड की सीरेंज में आता है वन एम नॉर्मल जो है वन एम की सीरेंज होती है उसको मैं अलग अलग पॉइंट्स पर इंजेक्ट करूँगा बेस्ड ऑन माई एक्सपर्टीज़ एंड आपका जो अंडर आई हॉलो है वो कम दिखेगा सिंपल है थर्टी मिनट प्रोसीजर होता है अब उसी दिन घर जा उसी टाइम घर जाते हो सब कुछ कर सकते हैं वर्कआउट एक दिन नहीं करना है और और कोई उसमें मेजर प्रॉब्लम ही नहीं है इस करके इतना पॉपुलर है तो ऐसा कुछ पोस्ट ट्रीटमेंट कुछ मेरे को केयर नहीं करनी पड़ती पोस्ट ट्रीटमेंट वर्कआउट नहीं होता इट्स वेरी वेरी बेसिक एक थोड़ा दो दिन एक दिन ट्वेंटी फोर आवर्स में बोलता हूँ पेशेंट को पहले पहले बोलते थे सात दिन पर अभी जो एक्सपर्टीज से जो मैंने देखा कुछ भी नहीं होता है तो मैं उसमें इतना एक्सपीरियंस है मुझे मैंने इतने सारे केसेस किए हैं कि खाली एक दिन वर्कआउट अवॉइड करना है थोड़ा मसाज अवॉइड करना है थोड़ा सोना स्टीम ये सब अवॉइड करना है दो तीन दिन के लिए बट ये सब बहुत बेसिक होता है इसमें कोई मेजर सर्जरी नहीं है तुम कोई सर्जरी नहीं करा रहे हो यह ब्यूटी ट्रीटमेंट है तो और ये फिलर का इफेक्ट कब ख़त्म होता है एक साल जो कंपनी जो बनाती है फिलर्स अलग अलग कंपनी क्लेम करती है दो साल हम अपने पेशेंट्स को एक साल बोलते हैं कई लोगों में उससे पहले भी जाता है बेसिकली जो एरियाज़ जो मूव करते हैं जैसे आई मूव कर अंडर आई हम ब्लिंक करते हैं लिप हम बात करते हैं ये दो जगह से फिलर जल्दी जाता है जो जॉ लाइन फिलर है मैंने मैंने अपना एक साल पहले किया था पर अभी भी दिखता है तो so, एक वो डेढ़ दो साल तक रहते हैं नोस फिलर्स लंबे रहते हैं सो so, जो जगह मूव नहीं करेगी वहाँ फिलर रहेगा जो जगह मूव करती है वहाँ जल्दी फिलर निकलता है टर्मी गोइंग अंडर नाइफ इसका क्या मतलब होता है नाइफ से चेंजेस करना मतलब गोइंग अंडर अ नाइफ इज अ सर्जरी दैट इज़ अ प्लास्टिक सर्जरी जॉब ओके ये जो हम लोग बातें कर रहे थे अबाउट ले अबाउट अंडर आई अबाउट ये सब गोइंग अंडर द नाइफ़ से भी होता है ये सब प्लास्टिक अच्छा। सर्जन भी करता है जो फिलर है वो गोइंग अंडर द नाइफ़ नहीं है दैट अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर मिनिमली इन्वेजिव बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई कट नहीं है कोई सूचर कोई टाका नहीं मारना है कोई वो यू डॉट नॉट एंट्रिंग इट्स ओनली विद अ नीडल सो इट्स मिनिमली इन्वेजिव ओके सो नाइफ मतलब गोइंग अंडर द नाइफ इज मोर अबाउट सर्जरी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सर्जरी चेंजेस तो हम भी करते हैं सर्जरी okay. so, कौन करता है किसको करानी चाहिए और क्या होता है surgery, वो भी सेम चीज़ के लिए होती है कि मुझे बेटर देखना है तो मैं सर्जरी कराऊंगा सो बेसिकली जो जैसे लेट्स टॉक अबाउट फेस लिफ्ट जो यंगर पेशेंट्स हैं उनको फिलर से हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं फेस लिफ्ट में जो थोड़े एल्डरली ग्रुप हो गया उसमें फिलर का भी रिजल्ट नहीं आता यू हैव टू गो इन अंडर द नाइफ दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं वो लोग भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं बट uh, वो सर्जरी से वो ही करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट सर्जरी नहीं अब ये प्लास्टिक सर्ज जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं वो छोटी वाली करते हैं पर बड़ी सर्जरीज mm. वो लोग करते हैं ओके okay. सो so, एक मैं बता रहा था कि इन इन द फ्रेंड सर्कल विच आई हैव गॉटन इन नाउ जो मेरे रिसेंट फ्रेंड्स बने आफ्टर becoming a creator after getting into more the the glamour side mm -hmm. of things jo to in sab mein bahut common hai jo mujhe recently pata chala tha iv hmm right iv therapy has gotten very popular aur bahut normal hai matlab i have friends jo हर 45 फाइव डेज़ में कोई ना कोई एक आई वी ले रहे होते हैं या 30 days में कोई ना कोई आई वी मंथली बेस पे ले रहे होते हैं और टाइम से ले रहे हैं। क्या होती है आई वी थेरेपी सो आई वी थेरेपी जो है वो पॉपुलर हुई थी ग्लूटाथियन करके ग्लूटाथियन hmm. एक एंटी है जो बेसिकली पीपल विथ लिवर फेलियर्स एल्कोहलिक्स जो होते थे उनको ग्लूटाथियोन हॉस्पिटल में दिया जाता था ताकि उनका लिवर प्रोटेक्टिव है वो एंट सुपर एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं तो उससे लिवर बेटर होता है पर वो जिनको हॉस्पिटल में दे, देखते थे एज अ इफ़ेक्ट और एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑके थोड़ा स्किन लाइटनिंग हो रही थी सो व सेम चीज़ आजकल स्किन लाइटनिंग में यूज़ होती है ग्लूटाथियन आई क्यों दिया जाता है क्योंकि वो ओरलीब्जॉर्ब नहीं होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड होता है जो स्टमक में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इस करके उसको आईवी ड्रिप में देते हैं आजकल ये कॉमन है ये होता है पूरी दुनिया दुनिया में सब जगह क्लियर नहीं है पर वास्ट मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में ग्लूटाथियोन दिया जाता है फॉर कॉस्मेटिक्स कमिंग टू जो बाकी आई थेरेपी है वो मोर ऑफ गेमिक्री है अगेन क्योंकि अगर आप ओरली दवाई आपको एब्जॉर्ब होती है तो फिर आई लेके क्या मतलब है ये तो अभी सेंटर्स खोल के लोगों ने चलाया हुआ है होम ड्रिप आईवी थेरेपी हुँ. ये ड्रिप आईवी थेरेपी वो ये तो पुराने ज़माने में गाँव में लोग बीमार होता था तो सलाइन चढ़ाते थे ये वो लॉजिक चल रहा है कि तुम अगर खा सकते हो सब बराबर अगर सब न्यूट्रिशन है तो फिर आई का क्या लॉजिक है आई एम नॉट डिस रिगार्डिंग आई वी इट इज़ आई वी डज़ यू फास्ट फर्स्ट बास मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिशन स्ट्रेट जाते है बट वॉट इज़ द नीड एंड यू नीड न्यूट्रिशन डेली यू हैव अ हेल्दी डाइट डेली वंस इन फोर्टी फाइव डेज जाके तुमने मल्टीविटामिन का टीका लगा दिया वो तो अपने डॉक्टर का बेनिफिट ज़्यादा किया अपना बेनिफिट कम किया ये मेरा मानना है ग्लूटाथायन की जो मल्टी वाइटामिन या ग्लूटाथायन जो पिल्स हैं टैबलेट्स हैं, हैं वो बहुत फेमस हो रही है एफोवेसन टैबलेट भी जो तुम पानी में मिला के पीते हो और बहुत सारी जो देखो उसमें टैबलेट है ना जो ओरल <coughs> टैबलेट है वो मुझे <coughs> वो एब्जॉर्ब नहीं होती है उसकी जो स्टडीज भी हैं कई कंपनीज मेरे को आके दिखाती हैं हमारा रिसर्च है बट आई डोंट बिलीव इन इट उसमें को जो स्टडी ग्रुप है वो बहुत स्मॉल है ना और वो लॉजिक नहीं है उसमें कई थोड़ी सब टैबलेट्स आती हैं आजकल जो जीप के नीचे डालते हैं <coughs> वो सब टैबलेट्स जो है वो <coughs> फर्स्ट पॉस मेटाबॉलिज्म को उसके थ्रू नहीं जाती है okay. वो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होती है पर जो बेस्ट ग्लूटाथियॉन का रिजल्ट है वो आई वी नहीं आता है। और उस बाकी वो इतना एब्जॉर्ब नहीं तो ग्लूटाथियॉन लोग इसलिए लगाते हैं कि गोरा होना ग्लो चाहिए फेस पे बेसिकली ग्लूटाथियॉर्न अगेन कर मैं करता हूँ पर वो हर एक आदमी के लिए नहीं है उसका रिजल्ट टेम्प्रेरी है अब जब तक लोगे तब तक फ़र्क दिखता है फ़र्क चालू होने के लिए भी दो महीने लगते हैं और जब तक रिजल्ट जब तक लोगे तब तक रिज़ल्ट आता है एक बार बंद किया उसका इफेक्ट चला जाता है अगर आप वो मीडिया पर्सनैलिटी हैं राज शमानी हैं तो ले सकते हैं <laughs> लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत है क्योंकि आप कब तक लोगे इट्स टिल वेन विल यू टेक एंड इट्स नॉट दैट आपने लिया और वो फेयर एंड लवली का एड नहीं है कि काले से आदमी गोरा हो गया यू हैव समि ग्लो लिटिलस ऑफ शेड यू स्टॉप रेड गोज़ बैक टू वॉर्ड इट वॉज बिफोर सो इट्स नॉट सम थिंग विच इज़ योर मेन लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटिएशन दर अदर थिंग्स फॉर दैट सो ग्लूटाथान पिल्स वर्क नहीं करते नहीं अब आजकल ग्लूटाथान्स की क्रीम्स आ रही हैं अभी बहुत एड चल रही है हर जगह इफ़ यू लुक एट पोस्टर्स ग्लूटा एक्सवाइजी इन्ग्रीडियंट है उस पर्टिकुलर क्रीम में जिससे आपकी पूरी स्किन पे ग्लो होगा आपके फेस पे ग्लो होगा अभी वो क्रीम्स वर्क करती हैं ग्लूटाथान है डिबेटेबल टॉपिक है जो क्योंकि जो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी क्रीम इंडिया में ना कल कोई भी अपना बना के उसमें लिख के बेच सकता है आ, वैसे ही ग्लूटाथियन बिकता है उसके ऊपर रिसर्च कितनी हुई है वो मुझे रिसर्च ना मैंने उसको देख दिखाए काम करते हुए थोड़ी कंपनीज बनाती हैं बट मैंने यूज़ नहीं किया अपने पेशेंट्स पे टॉपिकल ग्लूटाथियन से एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक पर अगर आप पूछेंगे काम करता है कि नहीं करता है उसकी जो स्टडी आई वोंट यूज़ इट टिल आई एम कॉन्फिडेंट एंड मैंने जो उसकी स्टडीज देखी है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट आई थिंक इट्स मोर ऑफ स्कैम विच इज गोइंग ऑन आई डोंट सी एनी जस्ट पॉपुलर वर्ड लाइक ओरल कोलाजन इज़ द बिगेस्ट स्कैम विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन एस्थेटिक्स ओरल या यू कैन ओरल कोलाजिन इज लाइक टेकिंग कोलाजन पाउडर इज लाइक टेकिंग प्रोटीन पाउडर आपने ओरल कोलेजन लिया वो पेट के अंदर गया उसको गैस्ट्रिक एसिड ने तोड़ के अमीनो एसिड में बना दिया ये अमीनो एसिड दोबारा रैंडमली मैजिकली जाके आपके स्किन में कोलेजन नहीं बनाता है वो चीज़ अमीनो एसिड इज़ लाइक प्रोटीन प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा सेम चीज़ आपने प्रोटीन पाउडर ली आपके गैस्ट्रिक एसिड ने उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया तो दोनों में फ़र्क क्या है कोई भी फ़र्क नहीं है जो ओरल कोलाजन आता है वो इतना महंगा बिकता है येजन मरीन डोंट नो व्हाट अदर बीइंग यू बट अल्टीमेटली तो वो अमीनो एसिड में बनता है तो उसमें लॉजिक क्या हुआ तो इतनी कम टू मी so they show me a study जिससे कि हमारे पेशेंट्स हैं हमने ये सो पेशेंट्स को ओरल कोलेजन दिया और इनका हेयर बेटर हुआ स्किन बेटर हुआ एंड आई वॉट आई टेल दैम इज कि यू हैव कम्पेयर ओरल कोलेजन विद एम टी पाउडर वाई डोंट यू शो मी अ रिजल्ट विद ओरल कोलेजन एंड प्रोटीन पाउडर्स ऑल द स्टडीज़ ऑन ओरल कोलेजन आर विद एम टी पाउडर्स आर नॉट कम वो तो प्रोटीन से तो बेटर होता ही है स्किन एंड हेयर उसमें नया क्या है तो आप हेल्दी डाइट खाना पहले ही बोला हमने वो तो ज़रूरी है उससे बाल अच्छे ग्रो होते हैं स्किन अच्छा नहीं। दिखता है उसके लिए ओरल कोलेजन चलाने की कम पूरी इंडस्ट्री चलाने की जरूरत नहीं है इंटरेस्टिंग ओके दिस गेट्स मी डू अ क्वेश्चन ये मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि दे आर टोटली जस्ट एक हाई पे या एक नए तरीके से मार्केट करके स्कैम्स बेचे जा रहे हैं जिनका रियलिटी में असर नहीं होता कुछ बट उनको बस महंगे तरीके से बेचा जाता है जैसे ओरल कोलेजिन एक है ओरल कोलेजन एक बहुत बड़ा स्कैम है दूसरा जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनते हैं अभी स्किन केयर अच्छा है पर ओवर है हमारे स्किन में कोई भी सेकेंड लेयर से ऊपर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है तुमने एक क्रीम लगाई ऊपर सनस्क्रीन लगाई बात खत्म हो गई उसके ऊपर आप दस क्रीमें आजकल देखता हूँ मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं टें टें स्किन केयर रूटीन सेवन स्टेप एट स्टेप वॉट डू यू डू इज इज ऑल यू डू एट होम जस्ट कीप पुटिंग क्रीम्स ऑल डे बाकी भी तो काम करना है हमें <laughs> जब वो इज यूर नॉट बेनिफिटिंग योर सेल्फ यू आर ओनली बेनिफिटिंग द कंपनी हु मेड दैट

और एक्सरसाइज़ कर रहे हो आप फेस की जिससे कोलेजन और बर्न हो रहा है थोड़ा पफीनेस कम दिख सकती है पर किसी का भी चेहरा लिफ्ट नहीं होने वाला शार्पन नहीं होने वाली जॉ लाइन ये फेस योगा या स्किन योगा ये सब करके ये सब गेमिक्री है तो जो एक ऐसा रोलर जैसा आता है जिसको ऐसे करके पुश करते हैं मैंने बहुत सारी रील्स देखी है लड़कियों की लड़कों की जिसमें वो ऐसे कर, पुश करते हैं ऊपर की साइड आप बिजी आदमी आप मत करना ये सब मैं करता ही नहीं <laughs> हूँ <नहीं। laughs> आपको बिजी रखेगा <laughs> और कुछ नहीं करता ये सिंपल जो क्रीम है वो लगानी चाहिए इतनी अच्छी अच्छी वो लगाओ वो पेनीटेट होता है वो काम करता है ये थोड़ी दिन भर करके कुछ होने वाला वाह ओके सो आई डू अ लॉर्ड ऑफ रिसर्च ऑन दिस बिकॉज आई फील एफ एम सी जी कंज्यूमर ब्रांड्स मुझे बहुत बड़ा पसंद है पढ़ने में इनके बारे में सीखने में और आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय ब्यूटी एंड स्किन एज एन इंडस्ट्री क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट सबसे ज़्यादा बड़े पैसे सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तुम इसी में क्रिएट कर सकते हो तो इसलिए मैं बहुत देखता रहता हूँ एंड दैट्स हाउ आई नो अबाउट दिस कैसे आता है अलग सा जिसको हाँ. लेके पुश करते रहो उसमें अलग अलग क्रिस्टल्स आते हैं जिससे तुम अप एंड डाउन करते हो तो फेस के लिए अलग होता, होता है अंडर आई के लिए अलग होता है एंड लॉट ऑफ पीपल डू इट गुड फॉर दैम बट आई इट वर्क इट्स नो लॉजिक इन इट इट्स मोर ऑफ कीपिंग यू बिजी एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड द इट्स ओनली इट्स इट्स गिमिक्री टू सेल दैट इंस्ट्रूमेंट टू यू एंड टू सेल दैट सीरम टू यू टू अप्लाई इट इज नो लॉजिक बिटवीन इट बार बार आपने बोला कोलेजिन कोलेजिन होता क्या है सो बेसिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू इन द मोस्ट सिंपल वर्ड्स सो so, हम दीवार बनाते हैं कभी तो उसके ऊपर ईंटें लगती हैं और बीच में सीमेंट लगता है ब्रिक एंड मोर्टर बोला जाता है इसको इंग्लिश hmm. में सो so, जो मोर्टार होता है या फिर जो सीमेंट है वो कोलेजन है सो so, हमारा जो सब कुछ है बीच में कोलेजन रहता है इट इज़ वॉट हेल्प्स इन इट प्रॉइजन न्यूट्रिशन सो बेसिकली कोलेजन डिप्लीट अगर हो गया तो जो हमारी वॉल है वो वीक हो जाती है तो सेम विद द स्किन कोलेजन कम हो गया तो ट इज द कोलायजन और वो so that is about तो दैट इज अबाउट वो एक्सटर्नली पाउडर से नहीं खा सकते नहीं खा सकते हैं पिल्स ले सकते हैं नहीं कोई भी कोलाजन को इंजेक्ट करना पड़ता है जो फिलर बोल रहा हूँ हाइड्रोनिक एसेड से बनता है वो कोलाइजन को स्टिम्युलेट करता है कोई भी खाने से चेहरे पे लिफ्टिंग नहीं होती आप दुनिया का कितना भी फेस योगा कर लो दुनिया की कितनी भी कोलाजन खा लो कभी भी चेहरा लिफ्ट नहीं होगा उससे कोई भी उसमें लॉजिक नहीं कोलाजन क्रीम्स जो होती हैं यार कोलाजिन क्रीम्स ना आई थिंक वो काम डिपेंड करता है उसकी पेनीट्रेशन कैसी है कोलाजिन एज सच उसका जो मॉलिकुलर साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है सो so, इस करके वो पेनीट्रेट नहीं कर सकता है आजकल हाइलोरोनिक एसिड बोलते hmm. हैं वो बहुत कॉमन है एग्जैक्ट exactly. उसका लो मॉलिकुलर वेट बनता है जो एब्जॉर्ब होता है बट इट डजेंट वर्क लाइक अ फिलर फिलर गोज एट अ मच डीपर लेवल दिस विल हेल्प यू इन हाइड्रेटिंग द स्किन बाई अपलाइंग हाइलोरॉनिक एसिड यू कॉन्ट पेनीट्रेट इन दैट डीपर लेवल दैट इट विल replace रिप्लेस कोलेजन इन यूर स्किन यू कैन It will look little fresher, but doesn't uh, lift the face. No cream in the world can change the signs of aging. You can you can stop it. किसी भी क्रीम से लगाओ और ये लाइनें सब निकल गई ये सब गिमिक्री होती है एंटी एजिंग क्रीम्स वर्क नहीं करती एंटी एजिंग क्रीम्स मेंटेनेंस में काम करती है मिनिमल रिजल्ट होता है उसमें एकदम ही मिनिमल रिजल्ट होता है uh, उस कोई भी लिफ्ट नहीं होता है उससे हम लोग एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं मोर देन एंटी एजिंग क्रीम सनस्क्रीन ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें यू इट इज मोर ऑफ प्रोटेक्शन एंड देन यू कैन ट्रीट बिकॉज ट्रीटमेंट में जो काम करता है वो मिनिमल है अब सनस्क्रीन लगाओगे तो सबसे बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वो है ओके गुड क्वेश्चन मैं तीन चार केमिकल्स के नाम लूँगा जो बहुत ज़्यादा फेमस केमिकल्स बोलो या इन्ग्रीडियंट्स बोलो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और इनकी वैसे बहुत बिकती चीज़ें राइट फर्स्ट इज़ हायरोलॉनिक एसिड तो वो अभी आपने बता दिया हाइड्रोनिक एसिड अगर मैं लगाता हूँ तो क्या मेरी स्किन उससे ग्लो करती है बेटर होती है फेयर फेय बेसिकली अगर आपका आप स्किन डिहाइड्रेटेड है थोड़ा तो डिहाइड्रेटेड स्किन टाइप है तो उसके ऊपर हाइड्रोनिक एसिड अच्छा काम करता है आप लगाओ तो ग्लो दिखता है फेस इट्स अ गुड प्रोडक्ट ओके इट्स अ गुड प्रोडक्ट देन एक होता है सैलिसैलिक एसिड मुझे डॉक्टर्स ने बचपन से बहुत ज़्यादा बोला है सालिसलिक एसिड क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन थी तो सैलिसलिक एसिड क्या करता है सो so बेसिकली ये सैलिसलिक एसिड ये सब ए एच ए करके एक ग्रुप होता है अल्फा अल्फाहाइड्रॉक्सी एसिड्स में बिलोंग करते हैं ये सब एक्सपोलियंट्स हैं तो उनका लॉजिक क्या है जैसे हमारा ऑयल ग्लैंड ब्रॉकड है वाइट हेड है ब्लैक हेड है आप वो लगाओ तो उसको एक्सफोलिएट करेगा माइक्रोस्कोपिक पीलिंग करता है इस करके हमारे क्लिनिक्स में मेरे हमारे क्लिनिक पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सैलिसलिक एसिड पील की जाती है तो उसका ये लॉजिक है उसको लगाया तो थोड़ा स्किन पील होता है ऊपर की चमड़ी निकल गई तो पिम्पल निकल जाता है

एड लोगों ने देख देख के लगा लगा के चलाया हुआ है उसके फेजेस आते हैं हमारे देश में हर एक चीज का फेज है वो भी फेज है कुछ काम नहीं करता काम करता है पर उससे बेटर है तो आई वु अच्छा। okay, तो करता क्या वैसे? नाइसिनमाइड नाइसिनमाइड बेसिकली पिगमेंटेशन पे काम करता है एंड एक्ने पे थोड़ा बहुत काम करता है ओके okay. और उसका अल्टरनेटिव क्या है जो बेटर है वो आप बोल रहे हो मुझे कोजिक एसिड ज़्यादा पसंद है uh, कोजिक एसिड आई फाइंड मोर पोटेंट इन स्मॉल पिगमेंट्री मार्क्स एक्ने कोजिक एसिड इज मोर सेफ्टी प्रोफाइल दोनों की सिमिलर है लेकिन रिजल्ट बेटर मुझे कोजिक एसिड सीखते हैं एंड कोलाजन वाली जो क्रीम्स होती हैं वो आपने पहले नोवल दिया फिर आपने एंटी एजिंग क्रीम में अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट देखना है तो रेटेनॉल होता है मैं पूछना था रेटेनॉल एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है एंड इट डाली एज में रेटेनॉल लगाना चाहिए आजकल लोग 20-25 साल में भी रेटेनॉल लगाना स्टार्ट इन इट दर इज एप्सली नथिंग रॉन्ग इन अपलाइंग रेटेनॉनली थिंग इज दट रेटेनॉल सब जगह एडवर्टाइज करके लोग लगाते हैं इसलिए साइड इफेक्ट्स ऑफ इट सो यू शूड रेटेनॉ लगाना है ऑलवेज यूज अ प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड स्टार्ट यूजिंग स्लोली एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबडी शूड सूट योर स्किन इट्स नॉट मैंड फॉर पीपल विद द वेरी ड्राई स्किन टाइप जैसे ड्राई स्किन वाले लगाएंगे तो उनको रिएक्शन होता है रेटेनॉल से कोई रेटेनॉल यंग एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम लोग आइसोड्रॉइन बात कर रहे थे इससे पहले वो ओरल रेटेनॉइड है जो आइसो बोल रहे थे वो ओरल रेटेनॉयड है वो तो हम यंग बच्चों में भी देते सो टॉपिकल रेटेनॉयड यू कैन स्टार्ट एट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कुछ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है खाली उसमें खाली सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए और उसको यूज प्रॉपर इरीटेशन नहीं होनी चाहिए नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पच्चीस पे भी स्टार्ट कर सकते अब आते हैं सेवन स्टेप स्किन केयर रूटीन पे ठीक है तो उसमें एक होता सब है सबसे पहले आप क्लेंजर ओके okay. तो फेस वॉश या कोई भी क्लेंजिंग कर आपने वो कर दिया तो दैट्स इंपॉर्टेंट वो yes, करना चाहिए जैसे yes. उसके बाद फर्स्ट टेपर्ड इज टोनर लगाते हैं लोग so, तो टोनर so, क्या होता है और लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए सो so, टोनर का पर्पस होता था टू बैलेंस द पीएच जो हम लोग पहले ज़माने में सोप्स यूज बनाए जाते थे वो बार सोप्स थे जिससे लोग चेहरा धोते थे उसका एसिडिक पी होता था तो उसको पी को बैलेंस करने के लिए स्किन के टोनर लगाया जाता था आजकल के जो फेस वॉश फेस वॉशिज़ हैं वह बैलेंस न्यूट्रल पीएच के साथ आते हैं तो उसमें टोनर का लॉजिक ही नहीं है तो टोनर बाहर हो गया तो अब टोनर जो लगाते हैं कोई सेंस नहीं है कोई लॉजिक ही नहीं है थोड़े लोग टोनर लगाते हैं एज अ प्राइमर ताकि पोर्स हाँ। काम देखें पर उसके लिए टोनर थोड़ी आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाओ उसमें हो जाता है काम ओके फर्स्ट टोनर फिर उसके बाद आता है सिरम लोग सिरम लगाते हैं जिसमें सिरम अलग अलग टाइप्स के आते हैं विटामिन सी सिरम बहुत फेमस है तो सिरम से कुछ होता है सीरम्स काम करते हैं लेकिन जैसे अगर आप मुझे स्किन को पूछो तो ये सात स्टेप की ज़रूरत नहीं है चेहरा धोया एक एक्टिव लगाया एक्टिव है और सीरम सेम चीज़ होती है दिन के टाइम अगर ज़्यादा ऑयली फेस है सिर्फ ऊपर सनस्क्रीन लगाया ये आपका स्किन केयर है मॉर्निंग का बाकी जो पाँच लेयर है उसका सिर्फ कंपनी का फ़ायदा है कोई उसका लॉजिक नहीं है रात के टाइम फिर से वही सीरम आप दोबारा लगा सकते हो या फिर अगर कोई तुम्हारे डर्मेट ने सपोर्ट किया वो वाला सीरम लगाओ ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा दो बात ख़त्म होगी दिस इज़ योर स्किन केयर इससे ज़्यादा स्किन केयर नहीं यूज़ करना चाहिए

एंड फिर ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते हैं सो नॉर्मली इट्स ऑलवेज द एक्टिव सो जो एक्टिव है दैट इज दीरम वो पहले लगाया जाता है एंड उसके ऊपर मॉइस्चराइजर एंड देनस्क्रीन लगाते हैं ओकेम इफ इट्स ड्राई मॉइस्राइजर एंड सनस्क्रीन अदरवाइज क्योंकि आपने वो लगाया मॉइस्चराइज किया और थर्ड लेर प्रोटेक्शन है उसके आगे सब वेस्ट है रात के टाइम सिर्फ एक्टिव सीरम लगाओ एंड ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा दो बहुत है उससे ज़्यादा नहीं लगा ले। okay, एक कोरियन ग्लास स्किन एक बहुत बड़ा ट्रेंड है बहुत ग्लैमरस है एंड पीपल वॉन्ट दैट स्किन क्योंकि उनकी स्किन बहुत ग्लास जैसी दिखती है तो ऐसा क्यों होता है कोरियंस की स्किन बहुत बढ़िया दिखती है और दूर से ऐसा लगता है वो ग्लो हो रहे हैं चमक रहे हैं फुल टाइम ग्लास जैसा लगता है वो बहुत वहाँ पे जो है स्किन केयर ये सब बहुत यंग एज पे स्टार्ट होता है और वहाँ पे ऐसे टैबू नहीं है वो टॉक्स चलोर जो वो लोग बेचते हैं वो क्रीमें बेचते हैं जो रिज़ल्ट आता है वो सब ब्यूटी अस्थेटिक ट्रीटमेंट से आता है तो so, मैं बहुत सारे इधर भी हमारे इंडिया में देखता हूँ लोग ये क्रीम तो वो क्रीम वो सब क्लिनिक बैठे होते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए ये इसमें वो सब बेचने वाली चीज़ें हैं इसमें ये, ये नहीं बोलूँगा कोरियन स्किन के रेवोल्यूशन है उनके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं पर जो आप वो लड़की जो ग्लो देख रहे हैं ग्लास स्किन देख रहे हैं वो क्रीमों के कारण नहीं है वो मोर ऑफ प्रॉब्लि फोटो एंगल लाइट जो ऊपर लगाया एंड मोर ऑफ द ट्रीटमेंट जो किए उसके कारण है कोई भी ए, क्रीमों लगाने से कोई ग्लास स्किन नहीं हो सकता ओके okay. एंड अभी एक और दो और थेरेपीज हैं दो पर्टिकुलर फेशियल टाइप की चीज़ें जो तो बहुत चलती है हाइड्रा फेशियल एंड सेकेंड इसकी नाइट्रोजन फेस पे मारते हैं जिससे एक्ने हटते हैं oh. yes, so, तो फेशियल क्या होता है ओपिनियन लीडर ऑफ हाइड्रा फेशन इंडिया सो

इट्स वेरी पॉपुलर क्योंकि उसमें ग्लो बहुत अच्छा दिखता है फेस पे इमीडिएटली करा के कोई डाउन टाइम नहीं होता है करा के अगर सुबह की या रात में आप बाहर जा सकते हैं ये उसके कारण फेमस uh, है इट्स अ गुड ट्रीटमेंट ऑल्सो दर इज आई इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन इट वॉन्ट ट्रीट पिगमेंटेशन इट्स प्राइमली मेट फॉर ग्लोइंग सो इफ यू हैव पिगमेंटेशन देर आर अदर थिंग्स फॉर दैट लोग हर वीक फेस क्लीन अप कराते हैं और हर मंथ फेशियल कराते हैं पार्लर्स में जाके से में जाके कराना चाहिए नहीं क्यों क्लीनअप्स नहीं कराना चाहिए क्लिनप तो बोलते उसके हैं क्रीम, उसके लिए क्रीम्स होती हैं क्लीनअप्स में वो क्लीनअप्स वैसे भी नहीं करने चाहिए जो उसके लिए क्रीम्स आती हैं एक्सफोडिएटिंग क्रीम जैसे व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स निकल जाता है वाइट हेड ब्लैक हेड का आपने क्लीनअप किया पहले तो आप वो निकालेंगे वाइट हेड ब्लैक हेड उधर पोर खुल जाता है जो पोर खुलता है वो वैसे भी तीन चार दिन के बाद फिर से भर जाने आप करते रहोगे और लेफ्ट विद ओपन पोर्स एंड जो एक्ने की वो जो क्रीमें लगाती हैं दस क्रीमें लगाते हैं उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है उससे पिंपल में इतना देखता हूँ इतने लोगों को एक्ने आता है तो वो सब के कम्पेरिजन में हाइड्रा फेशियल आप डेफिनेटली एवरी मंथ करा सकते हैं आ, जो ये ये सब नहीं करने चाहिए फेशियल क्लीनअ्स ये सब जरूरत नहीं है हर महीने नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं लोग बोलते हैं कि फॉर अ हेल्दी स्किन फॉर मेंटेनिंग द ग्लोवर फॉर मेंटेनिंग गुड स्किन करते रहना चाहिए दादाजी वाली बात है जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन आ रही है हमारे देश में ऐसे तेल के बारे भी बोलते हैं मेरे कि तेल लगाना चाहिए तेल से बाल उगते कोई भी तेल से बाल नहीं उग सकता वो दादाजी ने पापा को पापा ने मुझे नेक्स्ट मेरे बच्चे को वो चलता रहेगा तो ये वैसी ये वो लॉजिक की बात है तो ब्लैक हेड्स हटाने का सबसे अच्छा एंड बेस्ट तरीका क्या है ब्लैक हेड्स निकालने का एक अडाफ्रीन जेल नाम की ट्यूब आती है जिसमें रेटेनॉइड जो हम बात करते हैं इट्स अ टॉपिकल रेटेनॉयड जैसे आइसोड्राइन अंदर से काम करती है टॉपिकली बहुत अच्छा काम करती है हमने इससे पहले सेलिसिक एसिड की बात की थी वो सैलिसलिक एसिड भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स पर काम करता है उनको बेसिकली एक्सपोलियंट्स बोलते हैं तो ये सब यूज़ करने चाहिए ये ब्लैक हेड्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो ब्लैक एंड वाइट हेड सब चला जाता है दैन ये बोलते हैं कि हर हफ्ते लोग फेस मास्क लगाते हैं हर पंद्रह बीस दिन में लोग क्ले लगाते हैं फेस क्ले होता है फेस मास्क होता है ये सब लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए एंड एक न्यू ट्रेंड है जो वो हर संडे को ऐसे बड़ा सा मास्क लगा के बैठ जाते हैं जैसे शीट जैसा दिखता है जस्ट कीप्स दम बिज़ी इफ यू हैव अर ऑफ टाइम लाइक आई एम वेरी बिजी सो आई विल नेवर डू इट बिकॉज इट्स ओनली कीपिंग यू बिजी दिट इज़ नो दैट यू द क्रीम शुड बी अपलाईड डेली और अबाउट क्रीम्स यू अप्लाई दे दे पेनिट्रेट द स्किन इज द इट जस्ट अ फील गुड सो जैसे फेस मास्क होता है कुछ काम का नहीं है थोड़ा ऑयलीनेस कम करेगा थोड़ा उस टाइम के लिए थोड़ा सा ग्लो देता है उसमें और कोई लॉजिक थोड़ी है थोड़ी और, ना कुछ चेंज होता है पिगमेंटेशन थोड़ी कम होती है लगा लगा के क्या थोड़ी ना के? पिंपल जाते हैं वो लगा के थोड़ा टाइम पे थोड़े टेम्प्रेरी फेयरनेस दिखता है उतना फ़र्क है और थोड़ी कुछ होता है उससे सही में सही, सही में इतने जो लाखों प्रोडक्ट्स हैं काम करते हैं लेकिन बहुत कोई फ्रूट बेस्ड है कोई कोलेजन के लिए है कोई ग्लो के लिए है कोई क्या, क्या बोला फ्रूट बेस्ड फ्रूट बेस आते हैं ना मास्क जो अच्छा। ब्लैक बे लेना चाहिए यार <coughs> जो फ्रूट्स आते हैं ना उसमें न्यूट्रिशन खाने से होता है आप खा लो वो ज़्यादा अच्छा है उसमें ये सब लगाने का कोई मतलब नहीं है खाली वो टाइम पास करने की बातें हैं और हम मॉड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्यूचर क्या ये सब बोलने की बातें हैं जैसे आप क्ले बोल रहे थे वो मुल्तानी मिट्टी मेरे कॉलेज में उसका बोलते थे वो मुल्तानी मिट्टी सिर्फ ड्राइंग एजेंट है वो लगाओ थोड़ा ड्राई लगता है फेस पर थोड़ी ना पिंपल ट्रीट करता है थोड़ा ग्लैंड थोड़ा सुखाएगा थोड़ी ना पिंपल जाएगा उससे एंड ये घर के नुस्खे होते हैं लोग अभी घर के नुस्खे मतलब अभी जैसे हैं कई वेरी कॉमनली कच्चा दूध एक लगा वो लैक्टिक एसिड है सो so, वो क्रीम के फॉर्म में भी तो आता है यू गेट लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम यूज समथिंग विच इज स्टैंडर्डाइज जिसमें कंटेंट कितना लैक्टिक एसिड का वो पता है या आपके घर पे जो दूध आता है मेरे घर पे दूध आता है वो अलग है तो आप जो मास्क बनाओगे आप वीडियो बना रहे हैं आप जो मास्क बनाओगे और जो मैं अपने घर पे फॉलो कर रहा हूँ वो अलग है आपका स्किन अलग है मेरा स्किन अलग है तो जो स्टैंडर्डाइज है जो काम करता है वो यूज़ करना चाहिए ओके okay, मैं मैं चार पाँच ना आपको वो बताऊँगा स्किन बेस्ड ट्रीटमेंट्स एंड टेल मी वो वर्क करते हैं कि नहीं बिल्कुल एक है बहुत फेमस है जो लाइट यूवी लाइट मास्क लगाते हैं लोग हैव यू सीन दैट यस ऑफ कोर्स है it works in inflammation it works in acne it works in reducing the redness but it is more of a feel-good treatment it is not a treatment treatment it's not something i will do in the clinic if you have the money and you want to do it at home it does work but uh, it's not the main line of treatment it's more part of facials to reduce a little bit of redness it's not it does not treat treat any specific cause so uv face mask it works in it somewhere. works in the redness of the face you see a little reduction in inflammation it works in that barrier repair Okay. So barrier repair is very, very important. Barrier repair is nothing but a good moisturizer. Moisturizers mm. come with barrier repair creams. Okay. So they are very important, especially more than skincare. They're very important in our skin issues. There is something called as atopic dermatitis where the barrier is broken and those people are always itching because the skin goes very dry. So barrier creams are very important and something I it will always be in my prescription of a skin patient who has eczemas and all that. फूड बेस्ड जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कैफीन बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या स्ट्रॉबेरी बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं ये सब करते हैं नहीं पूरी पूरी ब्रांड्स हैं इनके ऊपर ठीक है नहीं करते सेम होते हैं जैसे नॉर्मल सब होता है कुछ नहीं उसमें सो वाई डू पीपल यूज़ इट जस्ट फॉर न्यू मार्केटिंग

सो दैट इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड इंजरी एंड वो करने से हम लोग ऊपर सीरम्स लगाएंगे तो डीप पेनेट्रेट करता है ये दो लॉजिक है माइक्रो नीडलिंग के uh, अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें जैसे अलग अलग डिवाइस आते हैं लेजर्स आते हैं मशीन्स आती हैं पेन डिवाइस आती हैं रोलर्स आते हैं, हैं, रोलर हैं uh, हज़ारों चीज़ें हैं उसमें सो दिस इज़ माइक्रोनीडलिंग का बेसिस इट्स गुड इट वर्क्स वेल इन ओपन पोर्स इट वर्कस वेल इन लिट बिट ऑफ स्किन टाइटनिंग एक्नेसकारिंग इट्स अ गुड ट्रीटमेंट ओके okay. एंड क्या वो घर पे नहीं कर सकते ना डर्म, डर्म, करना नहीं जो डर्मा रोलर होता है वो घर पे करा सकते हो डर्मा पर उसका इफेक्ट वैसे नहीं होता है क्योंकि जो लेजर है उसकी डेप्थ डिसाइडेड है कितने डेप्थ पे जाना है वो हमको पता है कितना किधर को लेजेंड री मॉडल होगा वो पता है जो सो दैट्स इट्स ऑलवेज बेटर टू डू डाटर क्लिनिक देन एक बहुत ही वायरल वीडियो था टिकटॉक पे यू में उसके बहुत वीजा सिक्स बिलियन व्यूज़ आए थे उस पर्टिकुलर पर और वो बहुत फेमस हो गया विच इज़ कॉल्ड पीरियड ब्लड फेशियल हैव यू हर्ड ऑफ़ इट यस आई हैव, कॉल्ड तो पीरियड ब्लड से लोग पीरियड ब्लड फेस मास्क पीरियड फेस मास्क पीरियड ब्लड फेशियल ये बहुत एट होम ट्रीटमेंट है जो लोग यूज़ करते हैं आई थिंक इट्स वेव अगेन ये क्या टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो गई एक किसी ने कर लिया तो उसके कारण चल रहा है लॉजिक नहीं है उसमें यार कुछ भी कुछ भी लॉजिक नहीं है तुम कहाँ उसमें बैक्टीरिया सीधा वो डाल रहे हो अंदर ये सब नहीं करना चाहिए सो मिथ बस्टर्स मेरे को ये बताओ सबसे कॉमन मिथ है क्या मास्टरबेशन से पिम्पल होते हैं नहीं होते मिथ है कि फैक्ट मिथ मास्टरबेशन से पिम्पल्स नहीं होते Okay, bad diet leads to pimples and acne. True to certain extent, not true to certain extent. If you have a hormonal condition like PCOD, then definitely bad diet will lead to acne. But if your acne is predominantly hormonal, even if you eat the best food in the world, you can still get acne. Got it. then. एस पी एफ जितना ज़्यादा होगा सनस्क्रीन में उतना बेटर सन प्रोटेक्शन होगा ये झूठ है एस पी एफ जो है वो स्किन कैंसर प्रोटेक्शन के लिए होता है हम लोग हमारे में जीन होती है जो स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करती है हमको हम लोग को मिलानोम नहीं होते दूसरे टाइप के स्किन कैंसर्स होते हैं लेकिन उसके लिए हायर एस पी एफ नॉर्मल भी यूज़ करोगे एनी थिंग थर्टी एंड अबाउ इज़ फाइन यार यू डोंट नीड अ फिफ्टी और अ हंड्रेड एस पी एफ सनस्क्रीन में क्या है रेगुलरली लगाना जरूरी है एक हर तीन तीन घंटे में लगाओ तो फिल्म जैसा लगाया जाता है एक बार लगाया वापस तीन चार घंटे बाद लगाया जाता है सो so, ज़्यादा एस पी एफ है तो ज़्यादा बड़ी अच्छी सनस्क्रीन है ऐसा नहीं है ओके okay, ऐसे कोई कुछ ऐसे नहीं कोई लॉजिक नहीं है जो हम लोग हम लोग लगाते हैं टैनिंग के लिए वो एस पी एफ मेजर ही नहीं करता है बेसिकली पी ए वैल्यू मेजर करता है जो जो टैनिंग के लिए होती है सो मोर देन सींग द एस पी एफ बाइंग इन इंडिया यू सी पी ए वैल्यू हो ये मुझे पता नहीं था

ताकि बहुत जल्दी तुम यू कैन गेट रेड ऑफ देम फास्टर जिंदगी में कभी मत करना जो पिंपल है वैसे भी चला जाएगा खड्डा हमेशा रहेगा और उसके लिए पिंपल पिंपल के दाग सब निकल जाते हैं दवाइयों से क्रीमों से खड्डा एक बार बन गया तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा लेज़र के लिए वो नहीं जाता है किसी भी चीज़ से ये उसका सच्चाई है तो पॉप करना ही नहीं करना नहीं करना पिम्पल कभी मत पॉप करना ओके देन स्क्रब हार्ड अब फेशियल ये जो फेस स्क्रब्स आते हैं वो लो और बहुत ज़्यादा हार्ड फेस स्क्रब करो ब्लैक है तो वाइट हेड्स हटाने तो झूठे सच है फेस स्क्रब से ब्लैक हेड्स जाते हैं बिकॉज एक्स पर वो अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि वो इरीटेशन कॉज करती है फेस पे एंड वहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ती है स्किन के इस करके फेस स्क्रब्स नहीं करना चाहिए जो हमारा नॉर्मल ऑयल प्रोड्यूस होता है वो डिसरप्ट हो जाता है ऑयल मैंटल बोलते हैं जिसको ओके एसिड मैंटल सॉरी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करो ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर मत यूज़ करो uh, थोड़े सच है सही है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सो so, ये डिबेटेबल uh, टॉपिक है इफ यू आस्क पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा ऑयली फेस है तो मॉइस्चराइजर मत यूज़ करो ओके okay. सनस्क्रीन हर इंसान को यूज़ करना चाहिए हाँ हर इंसान को यूज़ करना चाहिए एवरी डे हाँ लगानी हर रोज लगानी चाहिए और अगर मैं अंदर हूँ मैं सन में नहीं जा रहा तो ऐसे कमरे में बैठे हैं अंदर हैं बाहर बारिश हो रही है तो भी लगानी चाहिए क्यों क्योंकि यूवी लाइट से होता है जो प्रॉब्लम है सनलाइट से थोड़ी होता है आप खिड़की पे बाजू में बैठे वहाँ भी यूवी लाइट है सब जगह यूवी लाइट आती है आजकल टैनिंग जो है वो लोग बोलते हैं इससे भी होती है जो ये वाले तो ऑल इससे बहुत कम है इस करके रात में लगाने की ज़रूरत नहीं है पर इंडोर्स भी बैठे हो तो दिन के टाइम सनस्क्रीन की आदत सबको होनी चाहिए ओके एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स विल मेक योर रिंकल्स एंड फाइन लाइन डिसअपियोर ओवर आपकी एंटी एजिंग कोर्स लोगे तो थर्टी डेज के अंदर या वन वीक के अंदर रिंकल्स और फाइन लाइन हट जाएंगी झूठ है झूठ है बहुत बड़ा झूठ है कोई भी एंटी एजिंग क्रीम कोई भी रिंकल्स वो एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है एक बार रिंकल वहाँ बन गए अब दुनिया की जितनी महंगी क्रीम है जितनी लगा दो उससे थोड़ी जाती है दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन जितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा उतने बेटर रिजल्ट वहम की बात है यार बेबुनियाद वहम की बातें ये सब नॉन सेंस हैं दोनों तरफ देखता हूँ मैं फार्मा को भी देखता हूँ और इधर भी देखता हूँ मुझे मालूम है फार्मा वर्ल्ड कैसे चलता है और क्या होता है वो गलत है यार अपना ऐसे तो ले रहे हैं इस कर बेच रहे हो गलत है ऐसे नहीं करना चाहिए हो गया नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते, है, होते हैं नेचुरल स्किन केयर वो सेफ़ एंड इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं देन जो मेडिकल वाले होते हैं जो केमिकल बेस्ड है, होते हैं झूठ है ये जो है क्योंकि इसमें जो आप है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है नेचुरल प्रोडक्ट्स बेटर नहीं होते नहीं उसमें क्या है नेचुरल जैसे मैं लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स में देखता हूँ लोग घर से लगा के आते हैं कुछ भी उससे भी रिएक्शन आते हैं पिम्पल्स आते हैं लोगों को पैक्स लगाने के बाद तो so, वो इट जस्ट कीप्स अस बेसी और वो दादी के नुस्खे चालू हैं उसमें कोई भी जो आप जो स्टैंड्राइज ट्रीटमेंट्स आती है दे आर बेटर देन योर होम फेशियल्स ओके तो जैसे अभी जो एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक नेचुरल और केमिकल फ्री इन सबको लगाना चाहिए सो इन द नेम ऑफ नेचुरल यू कैन कमिट एनी क्राइम इन डरमेटोलॉजी बिकॉज इफ आई एम फार्मा कंपनी आई हैव टू अंडर गो समेस्टिंग आई कैन डू कल मैंने उधर बोला नेचुरल तो सब निकल ही गया उसमें उनका सब तुम्हारा रेगुलेशन भी कम हो गया तो दिस इज अंडर द टर्म ऑफ नेचुरल यू कैन डू एनी क्राइम इन आर इन डर्मेटोलॉजी तुम नेचुरल बोलो तो लोगों को लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया ये थोड़ी ना भगवान ने बना के भेजा है वो भी तो कंपनी में बनता है वो तो खाली गेमिकरी है आपको एड़ा बना रहे हैं क्या बात कर रहे हो थोड़ी क्या नेचुरल नेचुरल कौन सी चीज़ नेचुरल थोड़ी कुछ बनता है अब कंपनी में बनता है वो एटलीस्ट तुम जो लगा रहे हो वो टेस्टेड है उसमें क्या साइड इफेक्ट है हमको मालूम है क्या कंटेंट है वो मालूम है और तो क्रीम उसमें तो, उसमें तो उसने टेस्टिंग भी निकल गया उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन खत्म होगा उसका रूल्स रूल पर थोड़ी ना इतना स्ट्रिंजेंट होता है हाँ। इधर फार्मा से पहले मैं एक एक कंटेंट पढ़ूंगा लिखने से पहले क्या तुमने लिखा है उसके पर रिसर्च है तुम तो ऐसे तो थोड़ी बना सकते हो या और अगर कोई क्रीम मेरे लिए काम करती है डॉक्टर गुरजोत के लिए काम करती है थोड़ी ना वो आपके लिए काम करेगी कल अगर कोई घर का नुस्खा मेरे आपने कोई क्रीम है ऑर्गेनिक क्रीम है सो ये सब हमेशा उसके ऊपर स्टडीज होनी चाहिए इट शुड ऑल बी बेस्ड ऑन साइंस ओके क्विक थ्री क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन गूगल ओके फर्स्ट इज डार्क सर्कल अंडर आई जो होते हैं वो होते हैं? Dark circle under eye क्यों होते हैं डार्क सर्कल अंडर आई क्यों होते हैं सो लेट्स वेन यू टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स थ्री मेन रीजन्स फर्स्ट इज द पिगमेंटेशन जो उधर का कलर है दैट इज देयर विच इज यू हैव डार्क सर्कल्स ओवर देयर द सेकेंड इज द हॉलो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ आर इंडियंस वी हैव डीप सेट आइज सो जो डीप सेट आइज है उसमें हॉलोइंग होती है सो बेसिकली सिंपल वे टू डिफरेंशिएट कभी अगर सेल्फी लिया सामने से लिया तो इतना डार्क नहीं लगता है अंडर आए कभी ऊपर से सेल्फी लिया तो ज़्यादा डार्क लगेगा सो दैट इज़ नॉट द डार्क सर्कल इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन इज़ बिकॉज ऑफ हॉलोइंग ओवर देर एंड थर्ड जो बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ इज बेसिकली पोस्ट एलर्जीज एलर्जीज़ के कारण जिनको होते हैं विथ कॉन्स्टें जो उधर वैस्कुलर सप्लाई है वो थोड़ी डेमिनिश हो जाती है थोड़ा कॉन्स्टेंट एलर्जीज के कारण इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ पिगमेंटेशन आता है सो so, ये थ्री मेन उसके क्लासिफिकेशंस हैं जो लैक ऑफ स्लीप से नहीं होता लैक ऑफ स्लीप से अंडर आई दिखते हैं थोड़े पर आप जिसके अगर हॉलो आइज हैं आप 24 घंटे भी सोएंगे तो भी वो हॉलो ही रहेंगे क्या बात कर रहे हो आप तो आज सारी नई नई चीज़ें होता है मुझे लगा अंडर आई सिर्फ नहीं सोने से होता है अंडर आई नहीं सोने से सही है वो आप सोओगे बराबर वहाँ पे आपका सर्कुलेशन बराबर होगा योर लुक फ्रेश बट इफ देर इज समन विद आई बैग्स यू आर टॉकिंग अबाउट समन अबाउट समन हुज थर्टी फाइव शी हैज हैजार्क ही और शी हैज डार्क सर्कल्स इवन इफ शी स्लीप्स फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स स्टिल हैव डार्क सर्कल्स द रीजन फॉर डार्क सर्कल्स ओवर देयर इज़ नॉट लैक ऑफ स्लीप इज लैक ऑफ कोलेजन बाई स्लीपिंग यू वॉन्ट बिल्ड कोलेजन वाह और जो सुबह उठते से चम्मच लगाओ ठंडा फ्रीजर का उससे डार्क सर्कल हटते नहीं उससे डार्क सर्कल नहीं पर थोड़ा वहाँ पे जो स्किन टाइट हो जाती है तो थोड़ा कम दिखने में जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी इस करके वो आइस डालते हैं उसका यही लॉजिक है और टाइट नहीं होती उससे ओके देन बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा होता है कोई बेस्ट सनस्क्रीन नहीं है सब जो जो आपको सूट करती है वो बेस्ट सनस्क्रीन है बेसिकली जो नॉन स्टिकी सनस्क्रीन है वाटर बेस्ड है जो आप री अप्लाई कर सकते हैं एस पी एफ उसका थर्टी एंड अबाउ है वाटर uh, रेजिस्टेंट है स्वेट रेजिस्टेंट है ये सब देखना चाहिए उसमें बाकी ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांड से नहीं फर्क पड़ता डू यू फील दैट फेयरनेस वर्क नहीं करती फेयरनेस क्रीम पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करती है गोरा हेल्प कोरने में थोड़ी हेल्प करती है तो पिगमेंटेश किसी का अनइवन स्किन टोन है कोई धूप में गया है, काला हुआ है वो ट्यूब लगा रहे काला हो कालापन कम होगा ऐसे थोड़ी है कि क्रीम लगाते गए लगाते रहे जो आपका स्किन टोन था वो थोड़ी आ, स्किन टोन चेंज होता है फ्लिच वो है जो एक आता है कि शेड थ्री वीक्स में लुक थ्री शेड बेटर वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं अगर जो उनका मेरे को जो समझ में आता है वो या जो वो लोग क्या क्लेम कर रहे हैं कि आपकी पिगमेंटेशन कम होगी तीन हफ्ते में अगर कोई दाग है चेहरे पे कोई काला धूप में गए हो कुछ कुछ चीज़ दाग छोड़ के गई है तो वो कम होगी ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि आपको कोई पिगमेंटेशन नहीं है और आप लगा रहे हो और आपका स्किन टोन गोरा हो रहा है वो तो नॉनसेंसिकल चीजें हैं वो थोड़ी होता है किसी चीज़ से नहीं हो सकता है वे सींदा ट्रेंड एक इंस्टाग्राम पे जहाँ पे एक बोल ऑफ आइस पूरा पानी और बर्फ का उसमें मुँह रख के रखते हैं लोग फिर थर्टी सेकेंड बाद निकालते हैं वो बेसिकली पोर टाइटनिंग के लिए थोड़ा करो थोड़ा पोर टाइट हो जाते हैं तो इट वर्क अ थोड़ा पोर टाइट हो गए तो मेकअप लगाने में आसान होता है जो क्रीम्स लगाने वो स्क्रीन स्किन थोड़ा अच्छा दिखता है उसके बाद उसका वो लॉजिक वॉट डू यू थिंक हाउ मच एक नॉर्मल एक एवरेज डर्मेटोलॉजिस्ट <laughs> <laughs> कितना कमाता होगा कितना कमाता होगा वन क्लिनिक पर्सन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल वेरी वेरी इट्स डिफिकल्ट टू से यार अर्निंग ऑफ अ क्लिनिक विल डिपेंड के तुम कहाँ प्रैक्टिस करते हो uh, तुम्हारी प्रैक्टिस क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी है कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी है कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट कितना कमा सकते हैं और एस्थेटिक वाले कितना कमाते हैं एक बिकॉज चेंस की बात नहीं कर सकते ब्रांड्स की बात नहीं कर सकते जिसकी ब्रांड्स और है वो तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा कोई है राइट बट ऑन एन एवरेज अगर कोई एक डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वो कितना कमाता होगा एक क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट छोटे जैसे छोटे छोटे टाउन से लेके बड़े में होगा रेंज डेढ़ दो लाख रुपए महीने से लेके चालीस पचास लाख रुपए महीने का भी कमा सकता है आदमी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी से भी बीस पंद्रह लाख तक कमा सकता है एक लाख से पंद्रह लाख महीने तक दस लाख और मतलब जिनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है हाँ, ऐसे फेमस है जिनकी लाइन लगी हुई है और उनका वो लोग कमा सकते हैं उसमें उस क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी से क्योंकि उसमें पैसा होता है अगर तुम बहुत सारे पेशेंट देख रहे हो बराबर तो और एस्थेटिक्स में एस्थेटिक में तुम उससे डबल कमा सकते हो <laughs> क्योंकि जो पर हाँ फ़र्क क्या होता है मेरे यहाँ जो स्किन का पेशेंट आता है मुझे भगवान मानता है मैं अगर उसको दो घंटे रश है दो घंटे भी बैठा है कुछ बोलता नहीं है जरा भी कुछ भी नहीं बोलेगा डॉक्टर सर हाउ आर यू सब बराबर और मुझे भगवान मानते हैं जो एस्थेटिक वाले आते हैं एस्थेटिक लेने की अर्निंग डबल होती है लेकिन उनको तुम्हें भगवान मानना पड़ता है वो तुम्हारे सर पे चढ़ के आते हैं दे आर यू हैव टू दे डोंट वांट टू वेट यू हैव टू गिव देम अ सेपरेट रूम सो ये फ़र्क है सो so, एक्चुअल जो अच्छा क्लिनिक चलता है उसका गुड बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ का तो ही तुम चला सकते हो सिर्फ एस्थेटिक के बेसिस पर बे तुम पूरे दिन वेले बैठे रहोगे इतना बड़ा एस्थेटिक का मार्केट इंडिया में हुआ नहीं है कि सिर्फ तुम एस्थेटिक क्लिनिक चला लो तुम्हें डरमैट करना ही पड़ता है वही वन क्विक ट्रेंड लास्ट क्वेश्चन बिकॉज मेरे को एकदम से ध्यान आ गया आजकल जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे उनके क्लिनिक्स में लिखा रहता है कि गेट दिस ट्रीटमेंट एंड पतले हो जाओ थ्री डेज़ में आपकी कमर एकदम प्रॉपर हो जाएगी या थर्टी डेज में कमर हो जाएगी चार सेशन से आपकी स्किन टाइट होके पतले हो जाओगे ऑल ऑफ दिस इज़ ट्रू सो देर आर नॉन सर्जिकल बॉडी कंट्रोलिंग डिवाइस नथिंग वर्कस इन थ्री डेज इट टेक्स थ्री मंथ्स और देर आर ट्रीटमेंट्स यू के नॉट बीट लाइपोसाक्शन विद दो ट्रीटमेंट्स एनी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट लेस टॉक अबाउट कूल्स करटिंग आई डो कूल्सकर्टिंग एंड द मोस्ट पॉपुलर क्या कुल्सकर्टिंग cool? cool नाम की ट्रीटमेंट होती है फैट लॉस के लिए उसमें जो रिजल्ट है वो थ्री मंथ्स के बाद आता है uh, वो हार्वर्ड में स्टडीड है एंड काम करती है बट ऐसा नहीं है कि अगर आप दे, डेढ़ सौ किलो के आदमी हो तो एकदम अलग रूप आएगा नॉन सर्जिकल फैट लॉस ट्रीटमेंट्स किसके लिए मेंटे हैं आदमी पतला है वर्कआउट करता है थोड़े एरियाज हैं बॉडी के जहाँ से फैट नहीं जाता है तो वहाँ पे आप वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो काम करेगी वहाँ क्या होता है ये कूल्स कल्टिंग बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग द फैट सो वी हैव एडेपोसाइड्स नंबर ऑफ फैट सेल्स इन आर बॉडी विल स्टे कॉन्स्टेंट फ्रॉम द टाइम यू ऑफ बॉर्न एटलीस्ट वैन यू आफ्टर सर्टन एज इट स्टेज कॉन्स्टेंट टिल द टाइम वी आर डेड सो वाई डू वी गेन वेट वैन वीट लेट्स इट्स लाइक अ फैट बलून सो इट बिकम्स बिगर वैन यू डाइट इट बिकम्स स्मॉलर आप डाइट कर रहे हो वर्कआउट कर रहे हो पतले हो एक दो एरिया से फैट नहीं जा रहा है तो वहाँ पे कूल cool स्कल्पिंग एक एप्लीकेटर से आता है वहाँ लगाया जाता है एंड वहाँ पे नंबर ऑफ़ फ़ैट सेल्स कम किए जाते हैं बाय फ्रीजिंग देम एंड इट इज़ वंस द फैट सेल्स आर डेड दे आर पुस्ड आउट बाय द लिम्फैटिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स इट्स अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट यू अप्रूव्ड इट वर्क्स वेरी वेल विल वर्क ऑन स्मॉल पॉकेट्स ऑफ फैट

साइड इफेक्ट थोड़ी टेंडरनेस है थोड़ी ब्रूजिंग हो सकती है टेम्परी ये साइड इफेक्ट्स हैं उसके वो. और क्या रिवर्स हो जाता है वापस थोड़े टाइम में वापस आ जाएंगे फैट सेल्स के जो नंबर हैं वो एक बार कम हो गए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन सर्जिकल फैट लॉस देर आर टेम्परी लॉसिस वी आर टॉकिंग अबाउट कूल कर्टिंग राइट नाउ सो इज अ परमानेंट लॉस ऑफ फैट फैट डज नॉट रीजनरेट लाइक आई सेट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हंड्रेड फैट सेल्स आपने कूल कर्टिंग किया उसमें हंड्रेड फैट सेल्स हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट निकल जाएंगे तो वो कभी रीजनरेट नहीं होते हैं, वो सेवेंटी ही रहेंगे हाँ अगर आपने खाना दबा के खाना खाना चालू किया तो वही सत्तर फैट सेल्स जो है वो हंड्रेड की जगह ले सकते हैं सो इफ योर वेट अप यू विल इज द फैट कम्स बैक ओवर देर बट येस इफ़ यू रिड्यूस इट अगैन वॉट यू शूड नॉट गो विल गो दिस टाइम सो फैट सेल्स अगर कम करते हैं तो कुछ होता नहीं बॉडी में इट्स लाइक टेकिंग आउट दैट यू आर टेकिंग आउट कप फ्राम क्या फ्रॉम अब सी फ्रॉम अ सी या फिर सी थोड़ा तो ज्यादा होगा इतना मोटे नहीं है फ्रॉम टब आई वॉज गोइंग टू सी फ्रॉम टेकिंग आउट अ स्मॉल कटोरी फ्रॉम अ टब गॉट इट एक एक टब पानी में एक कटोरा निकालोगे निकालो निकालो, वो तुम्हें जहाँ बॉर्डर कर रहा है वहाँ निकाल रहे हो इट्स नॉट अ जनरलाइज आप निकाल okay, रहे हो वहाँ पे निकाल, निकाल रहे हो तो फर्क पड़ता है गॉट इट परफेक्ट थैंक यू सो मच फॉर actually being here and telling us everything. <laughs> thank you for making एक्चुअली बींगल तो मैं यहाँ आने से पहले बहुत नर्वस था क्या बात करें? सच बोल रहा हूँ मेरे को था कि क्या क्या क्योंकि ऐसे नहीं कोई बात ही नहीं की, की थोड़े कॉन्फ्रेंसेस में बात की है इंस्टाग्राम की वो तो वीडियो बनाने भी बंद कर दिए हैं तो आदत ही नहीं है हमने मैं अगर कोई दोस्तों से बात करता हूँ तो बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ <laughs> इसके दोस्तों को भी साथ लाया था देखो <laughs> तो साथ रहेंगे तो बड़ी मेड मी सो कम्फर्टेबल थैंक यू सीरियसली थैंक यू हैट्स ऑफ यू थैंक यू सो मच इट वॉज़ प्लेजर थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए हम आजकल बहुत सारे एपिसोड बहुत टाइप के अलग अलग गेस्ट के साथ बना रहे हैं और उनका रीज़न सिर्फ एक है हम चाहते हैं कि आप एक बेहतर इंसान बन सकें आप अपने बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकें और आप अपनी लाइफ में अपनी रिलेशनशिप्स को और बेहतर बना सकें इसी की वजह से हमने बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दिया है तो आप बताओ कि आप और ऐसी डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं अगर हाँ तो कौन से ऐसे गेस्ट हैं या कौन से ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनके गेस्ट आप देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में ये कमेंट में हमें बताओ बिफोर यू लीव लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा और उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो अपनी लाइफ कैसे बेहतर कर सकता है अनटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट